हेलो दोस्तों, एविल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सेंड्रेलिया एक छोटी सी सिटी है पेनिसलेवेनिया में। 1980 में वहाँ करीब 1000 लोग रहा करते थे। 1990 में 63 हो गए और 2013 तक सिर्फ 7। इस जगह को अब घोस्ट टाउन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता और अब ये जगह पूरी बंजर पड़ी है। ये सब हुआ था एक कोयले की खान में आग लगने की वजह से। ये आग 1962 में लगी थी। कहा जाता है कि यहाँ ये आग 250 साल तक जलती रहेगी। इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे और जाने कि ये आग कैसे लगी। इस आग में ऐसा क्या है कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा? सरकार ने क्या कदम उठाए? इसके साइड इफेक्ट्स और आखिर ये आग क्यों नहीं बुझ सकती? तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रेलिया फायर। दोस्तों, 1842 में कोयले की खुदाई शुरू हुई और सबका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। इस छोटे से शहर में कोयला काफी अधिक मात्रा में पाया जाता था और स्ट्रिप माइनिंग का काम भी शुरू हो गया था। आम खुदाई में जमीन के अंदर जाकर कोयला निकाला जाता है, लेकिन स्ट्रिप माइनिंग में ऊपर की जमीन हटाकर कोयला निकाला जाता है जिससे एक गड्ढा हो जाता है। 1960 के समय सेंट्रेलिया में कूड़े की काफी दिक्कत थी और जगह जगह गैर कानूनी कूड़े के ढेर थे। इसके लिए म्युनिसिपैलिटी ने 300 फीट बंजर खान को कूड़ा दफनाने और जलाने के लिए सोचा, लेकिन उससे पहले इस जगह का निरीक्षण होना जरूरी था। माइन इंस्पेक्टर ने देखा कि दीवारों और जमीन में काफी छेद हैं जो नीचे पुरानी खान में जा रहे हैं और इन्हें क्ले से भरना होगा, लेकिन इससे पहले काम पूरा होता म्युनिसिपैलिटी ने परमिट पास कर दिया और यहाँ कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया। कुछ समय बाद मेमोरियल डे फेस्टिवल के लिए कूड़ा हटाना जरूरी था। सेंट्रेलिया स्टेट में भी कूड़ा जलाना गैरकानूनी था, लेकिन उन्होंने फिर भी जलाने का सोचा और जरूरत पड़ने पर फायर फाइटर्स की मदद लेने का फैसला लिया। 27 मई 1962 को आग कूड़े में लगा दी गई और रात को पानी से बुझा दी गई, लेकिन 29 मई को आग फिर से दिखी और उसे भी बुझा दिया गया। 4 जून को आग फिर से दिखी, बुझाने के बाद भी जले हुए कूड़े को बुलडोजर से हटाने का फैसला किया तो देखा कि एक 15 फीट का गड्ढा था जो जल रहा था और वो जमीन के अंदर था और उसका रास्ता पुरानी खानों की ओर जाता था। कूड़े को बिना हटाए उस पर मिट्टी डाल दी और उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर वह नहीं जानते थे कि एक गड्ढे की वजह से आगे क्या हो जाएगा। एक महीने बाद कूड़ा अपने आप जलने लगा और लोगों ने कंप्लेंट करी। एक इंजीनियर ने टेस्ट स्टार्ट किया और देखा कि माइन की दीवारों पर क्रैक्स हैं और जहरीले कार्बन मोनोक्साइड गैस काफी ज्यादा मात्रा में है। म्युनिसिपैलिटी समझ गई थी कि आग बंजर खानों तक पहुंच गई और इसे जल्द ही बुझाना होगा, लेकिन वह आग जमीन के अंदर बढ़ती रही और सारे गहरे कोयले को जलाती रही। पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये कोयले पूरी तरह से नहीं जल रहे थे, इसीलिए जानलेवा गैसेस अंदर ही अंदर बनती जा रही थी। 9 अगस्त को कार्बन मोनोक्साइड जानलेवा मात्रा में पाई गई और पूरे सेंट्रेलिया में माइनिंग का काम बंद हो गया। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर काफी अटेम्प्ट्स करे गए अंडरग्राउंड आग बुझाने के, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। सेंट्रेलिया एक छोटी और इंडिपेंडेंट सिटी है और म्युनिसिपैलिटी के बजट पे चलती है और काफी प्रोजेक्ट्स तो बजट की कमी की वजह से ही बंद हो गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आग इतनी बढ़ जाएगी। 1979 में एक पेट्रोल पंप के मालिक ने अंडरग्राउंड टैंक के टेम्परेचर को चेक किया और वो हैरान हो गया। उन्होंने देखा कि टैंक का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कार्रवाई फिर शुरू हो गई और आम जनता घबराने लगी क्योंकि जगह जगह पर गड्ढों में से भाप उड़ रही थी जो कि काफी जानलेवा थी। ये कार्बन मोनोक्साइड ना तो दिखती है और ना इसकी कोई स्मेल होती। अंडरग्राउंड आग की वजह से सड़कों पर क्रैक्स आ गए थे, फसल नहीं उग पा रही थी और ऐसा मानो जैसे ये टाउन गर्मा गर्म तवे पे है। आखिर 1983 में US कांग्रेस ने $42 मिलियन दिए लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए।
लोगों को टाउन से बाहर लाया गया, करीब 500 बिल्डिंग्स को तोड़ा और 2002 में वहाँ का पिन कोड भी रद्द कर दिया गया। अब ये बस एक घोस्ट टाउन रह गया है जो अंदर से जल रहा है, बिल्कुल नरक की तरह। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर ये सिर्फ अंडरग्राउंड आग ही है और अमेरिका ही क्यों नहीं अपने फंड से इस आग को बुझा देती, उल्टा ये कुदरत को नुकसान ही पहुंचा रही है। दोस्तों, इस हादसे में हमारे पास बस सवाल ही सवाल है, उत्तर नहीं। जैसे कि अभी तक किसी को भी नहीं पता कि ये आग कितनी बड़ी और कहां तक फैली हुई है। सेंट्रेलिया खुद 155 एकड़ का है, पर माना जाता है कि आग पृथ्वी के अंदर 3700 एकड़ तक फैल गई है और बढ़ती जा रही है। एक और कारण है कि इधर काम करना मुश्किल क्यों है। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद कंपनीज लुट गई थी और कई बंजर खानों को बिना किसी पिलर सपोर्ट के छोड़ दिया गया। इसलिए किसी भी खान में कोई इंसान या मशीन नहीं जा सकती और कोई काम नहीं हो सकता। कोई भी प्रोजेक्ट गारंटी नहीं देता कि आग बुझ जाएगी। सतह के अंदर किसी को नहीं पता आग किधर है। ऐसा मानो जहां जहां जमीन है वहां रिस्क ही रिस्क है। 750 डिग्री में बिना हवा के जलता हुआ कोयला जब ऊपर पूरे शहर को खाली कर सकता है, तो ना जाने उन खानों के अंदर क्या होगा। इमेजिन करिए कि आप उधर खड़े हैं और अचानक से जमीन गर्म हुई, फिर स्टीम एक्सप्लोजन हो और आपके नीचे की जमीन आपको अंदर जलते हुए कोयले में ले जाएगी। जानलेवा गैसेस आज तक निकल रही है जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही है और कभी भी सड़कें हीट से कमजोर होकर टूटती रहती हैं। किसी को अंदाजा नहीं कि और कितना कोयला बाकी है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये आग और 250 साल तक सुलगती रहेगी। कुछ सालों से सेंट्रेलिया का टूरिज्म काफी बढ़ गया है, लेकिन उधर एक कहावत है, स्टे आउट स्टे अलाइव, यानी बाहर रहो जिंदा रहो। अगर आपके पास कोई सवाल है इस हादसे से रिलेटेड तो कमेंट करें, आपका उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी खतरनाक जगह जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।